हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज के अनसेंड कर देता है या फिर डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, तब भी कैसे आप उन मैसेजेस को पढ़ सकते हो। तो यार, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है कि सामने वाले बंदे ने ऐसा क्या भेजा था कि उसे वो डिलीट करना पड़ा। सो यार, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक मैसेंजर, किसी भी प्लेटफॉर्म के डिलीटेड मैसेजेस को पढ़ सकते हो। सो यार, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, टाइम को वेस्ट ना करते हो, जल्दी से वीडियो को शुरू कर। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और यहां पर सर्च करना है अनसीन। ओके, जैसे ही आप अनसीन सर्च करोगे ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। ओके, सो ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन करना है। सो गाइस, यहां से आपको उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जिनके की डिलीटेड मैसेजेस आप पढ़ना चाहते हो। सो यहां पर मैं अभी टेलीग्राम को रिमूव कर देता हूं, बाकी मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सबको रख के हम नेक्स्ट कर देते हैं। सो यहां पर आपको परमिशन देनी है, तो गिव ऑथराइजेशन पे क्लिक करके आपको अनसीन को इनेबल कर देना है। सो गाइस, हमारा एप्लीकेशन रेडी है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑल का सेक्शन है, यहाँ पर आपके जितने भी मैसेजेस कोई भेज के डिलीट करेगा वो सब दिखेंगे। अगर आप राइट स्वाइप करोगे तो पहला आपका फेसबुक मैसेंजर आता है, जितने भी फेसबुक के मैसेजेस होंगे वो यहाँ पे आएंगे, फिर व्हाट्सएप के, देन इंस्टाग्राम के। सो अब गाइस, मैं दूसरा डिवाइस लेता हूँ, उससे कुछ मैसेजेस पे भेज के डिलीट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मैसेजेस यहाँ पर सेव होते हैं या फिर नहीं। ओके, सो गाइस, मैंने अभी दूसरे डिवाइस से कुछ मैसेजेस सेंड करके उन्हें अनसेंड किया है व्हाट्सएप पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। और गाइस, मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा देता हूँ कि इन्होंने मुझे दो मैसेजेस भेजे हैं और इन्होंने डिलीट कर दिए हैं। और गाइस, इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे कोई मैसेज रिसीव नहीं दिखा रहा है। अब गाइस, हम अपना अनसीन ऐप ओपन करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि जो मैसेज उन्होंने भेज के डिलीट किए हैं वो यहाँ पे सेव हुए हैं या नहीं। तो मैं ये एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, एक है इंस्टाग्राम की और एक है व्हाट्सएप की। तो आपको राइट स्वाइप करना है। यहाँ पर आप देखिए तो व्हाट्सएप पे जो मैसेज उन्होंने सेंड किए थे मुझे, वो यहाँ पर डिलीट करने के बावजूद भी सेव हो चुके। तो इस तरह से हम व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे इन्होंने जो मैसेज मुझे भेज के अनसेंड किए वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। और गाइस, यहाँ पर हम मैसेज देखने के बाद उनका रिप्लाई भी इन्हें इंस्टाग्राम पे जाके कर सकते हैं। तो इसी तरह गाइस, आप फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम या जितने भी चैटिंग एप्लीकेशन हैं उनको यहाँ पे मार्क करके उनके डिलीटेड मैसेजेस को पढ़ सकते हो। सो गाइस, आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप इन प्लेटफॉर्म से डिलीटेड मैसेजेस को पढ़ सकते हो। और गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर तरीका है, ये आपके किसी भी इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप अकाउंट की एक्सेस नहीं लेता है, ये सिर्फ आपके नोटिफिकेशंस को ट्रैक करता है और उन्हें ही सेव करता रहता है। सो गाइस, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो यार लाइक कर दो। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।